हल्द्वानी पहुंचे कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ने राज्य सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि यूजो बीएनएल के लखवाड़ा व्यवसाय परियोजना में सिंगल बिड पर ऊंचे दामों पर किसी एक कंपनी को फायदा पहुंचाकर 3,000 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार को अंजाम दिया गया। प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा कि एक ही कंपनी को सिंगल बिड पर टेंडर दिए जाने के लिए टेंडर प्रक्रिया में 2 बार हेरफेर भी की गई। उन्होंने कहा कि सरकार के संज्ञान में ये लाना चाहते हैं कि यह भ्रष्टाचार की परिपाटी बंद होनी चाहिए। किसी भी काम के टेंडर के लिए 3 से अधिक प्रतिभागी होने चाहिए, लेकिन इतने बड़े टेंडर में एक ही कंपनी को ऊंचे दामों पर टेंडर दिए जाने का खेल सरेराह भ्रष्टाचार को उजागर करता है। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। उस काम को सिंगल टेंडर सिंगल बिड हुई है और उसको कंसीडर किया जा रहा है, जो कि सीबीसी गाइडलाइन के खिलाफ है। नंबर दो, वो सिंगल बिड करने के लिए कि वो सिंगल ही कोई व्यक्ति बिड करे, प्रक्रिया के दौरान 2 बार नियमों में बदलाव किए गए, 2 बार, और इस प्रकार से एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हो सके इससे इस बिड को रोका गया। तो ये भ्रष्टाचार का स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है कि भ्रष्टाचार हो रहा है।